कितने बच्चे हैं क्लास में? 25। क्लास का टाइम देर से बता दिया था क्या कल? शुरू करें तो? और आ रहा है दौड़ के, आ जाओ भाई जल्दी से। चलो अकाल मृत्यु के संदर्भ में पिछले 2 दिनों से हमने काफी चर्चा यहाँ की है। कुछ पूछना है आपको अकाल मृत्यु के बारे में? हाँ बोलो। हो सकता है अपवर्तन तो होगा। देखो अपवर्तन और अपकर्षण में अंतर समझ लो। अपवर्तन होगा तो आयु पूरी खत्म हो जाएगी, आगे नहीं बचेगी, और अपकर्षण का नाम है कि वो निषेक आगे तक भी रहेंगे, ठीक है ना? आयु कर्म में कैसी स्थिति बनेगी उसमें? बाकी कर्मों में तो स्पष्ट समझ में आता है हमारे को, ज्ञान के ऊपर आवरण है, मान लो आगे तक रहेगा, वो आगे वाला जो आवरण था वो कम हो करके इधर ही आ गया, उधर कम हो गया, ऐसा। तो वो स्थिति अपवर्तन की स्थिति कहलाती है। यहाँ अपवर्त्य आयु विशेष शब्द का प्रयोग किया है सूत्र में, आयु के अपवर्तन का ही शब्द का प्रयोग किया है। अपकर्षण उत्कर्षण आदि भी होते हैं, क्योंकि अपकर्षण और उत्कर्षण यदि अपन नहीं मानेंगे तो फिर बद्धमान आयु में बढ़ जाना ही बनेगी नहीं स्थिति। जैसे 7वें नरक से घट करके 1ले नरक की हो गई। अब पहले से कोई जीव यदि ज्यादा पाप करे तो पहले से 5वें 7वें में भी जा सकता है ना, तो उसको क्या कहोगे? उत्वर्तन, उत्कर्षण कहेंगे ना उसको। भाई पहले नरक की बांधी उसने 1 सागर की, और ज्यादा बढ़ करके वो 30 सागर की हो गई, 25 सागर की हो गई 7वें नरक में, 22 से 33 सागर तक की आयु है ना 7वें नरक में, माने 22 सागर की आयु वाला भी 7वें नरक में हो सकता है और 33 सागर की आयु वाला भी 7वें नरक में हो सकता है। एक बार ऐसे ही मैंने कहीं बतलाया, मैंने कहा 22 सागर की आयु वाला 7वें नरक में, तो सामने से बोलने लगे पंडित जी 33 क्या 33 सागर? अरे भाई 7वें नरक की उत्कृष्ट आयु है 33 सागर, 7वें नरक में जघन्य आयु भी होती है या नहीं? 17 से 22 सागर तक 6वें नरक में और 22 से 33 सागर तक 7वें नरक की आयु है। तो ये जो आयु बढ़ गई है किसी भी व्यक्ति की, ये उत्कर्षण कहलाएगा। और यदि उत्कर्षण दिख रहा है अपने को तो अपकर्षण भी मानना ही पड़ेगा। जहां उत्कर्षण होगा वहां अपकर्षण भी होगा। ऐसा समझ लो आप, अपकर्षण का ही एक रूप है अपवर्तन। क्या ऐसा कह सकते हैं? अपकर्षण की एक विशेष क्वालिटी का नाम है अपवर्तन, जिसमें घटा तो है लेकिन पूरी तरह से घटा है तो अपवर्तन कह दिया, और पूरी तरह से नहीं घटा था तो अपकर्षण कह दिया, ठीक है ना? हाँ नहीं, ऐसा क्यों लगा रहे हो इसमें, घड़े में क्यों लगा रहे हो ये चीज? ऐसा नहीं लगेगा क्योंकि वहां तो दोनों ही स्थितियों में कम हुआ है, पूरी तरह से ही कम हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी स्थिति के अंदर वो 7 बजे खाली होगा। तो जिस स्थिति में 7 वाला 7 ही बजे खाली हो वो स्थिति कहलाएगी अपकर्षण।
हाँ, जैसे देखो आकर्षण में क्या होता है, वापस समझो एक बार क्या कहना चाह रहे हैं। कोई कर्म वर्तमान समय से लेकर के शाम को 7 बजे तक फल देना है, ठीक है, अभी से फल देना चालू हुआ है, शाम को 7 बजे तक उस कर्म का फल मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। अभी जो फल यहां से वहां तक मिल रहा है क्या, या ऐसे समझ लो आप, किसी व्यक्ति को ये कहा कि तुम्हारे को चॉकलेट है, समझ लो आप उसके पीस हैं अलग अलग, थोड़ी थोड़ी सी खानी है अभी तुम्हारे को और शाम तक खत्म होनी है क्या। तो जैसे मान लो 10 पीस अभी, फिर 10 पीस कुछ देर बाद में, फिर 10 पीस कुछ देर बाद में, फिर 10 कुछ देर बाद में, ऐसे लास्ट तक तुम्हारा लास्ट कहाँ होगा, शाम को 5 बजे, ठीक है। अब अपवर्तन यदि हो जाएगा तो शाम 7 बजे की जगह 5 बजे खत्म कर देगा वो सारी चॉकलेट। लेकिन अपकर्षण हुआ तो क्या होगा, शाम 7 बजे वाली जो कुछ थी उसको उसने कम करके 5 बजे पर ले आया, कुछ को 3 बजे पर ले आया, लेकिन 7 बजे भी 10 में से 1 रह गई, समझ रहे हो आप। इसका मतलब उसका जो स्वाद और फल जो मिलना है उस चीज का, वो उस मोमेंट तक तो मिलेगा, लेकिन उसमें से बहुत सारे निषेकों में से जो परमाणु थे वो कुछ नीचे आ गए। ये स्थिति कहलाती है अपकर्षण की, समझ में आ रहा है। अपकर्षण का मतलब पूरी तरह से कम नहीं हुए, कुछ कम हुए हैं अंश, ये अपकर्षण कहलाता है। लेकिन अपवर्तन की पोजीशन क्या है, अपवर्तन की पोजीशन में वो वहां लास्ट मोमेंट तक नहीं है अतिशय, वहां से खिसक करके आगे आ गया, वो समय सीमा ही घटा दी गई, वो अपवर्तन कहलाता है। इसलिए आयु क्रम में अपकर्षण नहीं, आयु क्रम में अपवर्तन ही होता है, ऐसा समझो आप। क्योंकि आयु में ऐसी पोजीशन नहीं है कुछ आ जाए और कुछ वहां तक रहे, आयु क्रम में पूरे निषेक नीचे उतरेंगे आगे समय तक की, ये स्थिति बनेगी। स्थिति का घटना तो है ही, हो सकता है अनुभाग भी घट जाए, स्थिति तो घटी गई ना, अनुभाग में तो कुछ भी हो सकता है, अनुभाग अलग मैटर है। यहां तो अपकर्षण और उत्कर्षण में, यदि स्थिति के अपकर्षण उत्कर्षण की बात चल रही है तो स्थिति समझना, और अनुभाग के उत्कर्षण अपकर्षण की बात चल रही है तो अनुभाग समझना, दोनों में हो सकता है। लेकिन यहां जो स्थिति जो अपवर्तन की अभी अपन ने बात कही है आयु कर्म के संदर्भ में, वहां तो स्थिति भी घटी है और फल भी निश्चित रूप से घटी गया। फल के घटने को 2 रूपों में देखा जा सकता है, एक तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखो और एक रिजल्ट कैसा मिलना है वैसा देखो। तो अपवर्तन में तो फल उसी समय तक मिलेगा, नीचे तक आ गया ना तो यहीं तक मिलेगा, आगे फल कैसे मिलेगा जब आगे निषेक ही नहीं है। तो जहां तक कर्म के निषेक होंगे फल आखिर वहीं तक तो मिलेगा। बोलो और कुछ पूछना हो तो। उदीर्णा का मतलब एक साथ फल दे देना, बूंद बूंद निकल रहा था पानी और एक साथ निकल गया, ये उदीर्णा है, ढुल गया झटके से। आयु कर्म के जो निषेक थे वो एक साथ उदय में आ गए बहुत सारे, ये उदीर्णा कहलाई। अपवर्तन में तो नीचे आ गया है, सुनो, अपवर्तन और उदीर्णा दोनों अलग अलग चीज है। अभी हमारे आयु कर्म का अपवर्तन जो समझ लो आप भुज्यमान आयु है, भुज्यमान आयु में तो आयु कर्म का अपवर्तन उदीर्णा द्वारा ही होता है। क्या कहा, भुज्यमान है ना, भोग रहे हैं अपन, इसमें तो आयु कर्म का अपवर्तन उदीर्णा द्वारा ही होगा। लेकिन बद्धमान आयु में अपवर्तन, उसमें उदीर्णा जरूरी नहीं है, उदीर्णा थोड़ी ना हुई है। राजा श्रेणिक ने 7वें नरक की जगह 1ले नरक में जाकर के आयु भोगना शुरू किया तो वो आयु कर्म का अपवर्तन तो हुआ था, निषेक ही उतने रह गए लेकिन उदीर्णा नहीं। समझ में आ रही है बात क्या है। बोलो भाई और कुछ। हाँ
लेकिन जब अपवर्तन पूर्वक उदीर्णा हुई है क्या, तो आगे के पूरे ही उदय में आकर के खिर गए ना। नहीं समझ में आई बात? सुनो मेरी बात, घड़ा फूट गया ऐसी स्थिति, इसका मतलब अपवर्तन और उदीर्णा दोनों साथ में है, और घड़े में से पानी ढुल गया, इसमें उदीर्णा तो है, उदीर्णा पूर्वक कुछ अपवर्तन है, ठीक है ना। और बद्धमान में क्या होगा, बांधी थी सातवें नरक की, जैसे आयु बंधी तत्काल निषेक रचना तैयार हो जाती है ना, अवादा काल को छोड़कर उसके अगले समय से लेकर निषेक रचना बन जाती है ना प्रति समय कर्म उदय में आने के लिए। क्यों भाई, ख्याल में आ रही है ना बात, कठिन हो रही है क्या थोड़ी सी? जिस समय आयु कर्म बंधा, अभी मेरे आयु कर्म बंध गया मान लो, तो आयु कर्म मान लो नरक का बंध गया, तो नरक का बंध गया मान लो 15 सागर की आयु है नरक में, इतना हमने कर्म बांध लिया, कब उदय में आएगी, अबाधा काल कितना होगा इसका, बची हुई भुज्यमान आयु, यह अबाधा काल होता है आयु कर्म का, इस अबाधा काल को पूरा करके वो उदय में आएगी, तो उदय में आना शुरू होगा तब से लेकर 15 सागर की आयु तक प्रत्येक समय धीरे धीरे करके कुछ कुछ निषेक उदय में आते रहेंगे। ऐसा ही है सब कर्मों में, ऐसा ही होता है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी सभी सभी में इसी तरह का होता है, अबाधा काल के बाद से वो निषेक रचना तैयार हो जाती है, कब, जब बांधा था तभी, अब 15 मिनट बाद परिणाम बदले, 15 मिनट बाद ही परिणाम बदले, तो जो निषेक रचना 15 सागर तक की तैयार हो गई थी क्या, अब 2 सागर की आयु रह गई मान लो, तो 2 सागर के बाद वाले जितने निषेक थे, जो निषेक रचना तैयार हो चुकी थी, उन सबका क्या होगा, वैसे ही रहेंगे कि नहीं नहीं वो सब सिमट जाएंगे 2 सागर के भीतर, तो इन पूरे के पूरे 2 सागर से लेकर के आगे के जितने निषेक थे सबका सिमटकर 2 सागर तक रह जाना, ये कहलाएगा अपवर्तन। लेकिन इसमें उदीर्णा नहीं हुई है, उदय ही नहीं है अभी, तो अभी तो मनुष्य जीवन चल रहा है, बद्धमान आयु है, इसका मतलब अपवर्तन उदीर्णा सहित भी हो सकता है और उदीर्णा के बिना भी हो सकता है। हां भुज्यमान आयु की बात करोगे तो भुज्यमान आयु में अपवर्तन कैसे होगा, वो कैसे घटेगी आयु, उदीर्णा के साथ में घटेगी, भोग रहे हो ना उसको, एकदम झटके से निकल गया पानी, तो उदीर्णा के साथ में अपवर्तन हुआ भुज्यमान आयु में, ये स्थिति है। और बोलो कुछ पूछना हो तो। हाँ अपवर्तन ज्यादा एप्रोप्रिएट शब्द है ना, आयु कर्म के संदर्भ में अपवर्तन ज्यादा उपयुक्त है, ठीक है ना। और चले आगे 13 नंबर के प्रश्न से, कुछ पूछना हो तो बोलो, कुछ भी नहीं पूछना, अनुभव कुछ नहीं। देखो यदि ऐसा माने तो क्या हानि है कि केवली के ज्ञानानुसार सब कुछ क्रमबद्ध है और हमारे ज्ञानानुसार अक्रमबद्ध, क्योंकि केवली को भविष्य का ज्ञान है और हमें नहीं, ऐसा मानने में अनेकांत भी सिद्ध हो जाता है, क्रम भी है अक्रम भी है, अनेकांत तो ऐसे लगता है, अनेकांत का मतलब परस्पर विरोधी दोनों बातों को मानना, ऐसा लगता है जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, मनुष्य गति से मोक्ष की प्राप्ति होती है, त्रिज गति से भी हो जाती है, एकांत है ये, अनेकांत नहीं होगा कि मनुष्य से भी हो जाती है, किसी किसी त्रियंश को भी हो जाती है, ऐसा अनेकांत नहीं लगेगा,
मुनि बनने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। अनेकांत लगाओ, किसी किसी गृहस्थ को भी हो जाती है ऐसा, अनेकांत होगा तो फिर एकांत से। हाँ जी, जितनी भी बातें नियम स्वरूप कही जाती है उन्हें हम एकांत कहते हैं, सम्यक एकांत कहते हैं। ये मेरी व्याख्या है, शास्त्रों में कहीं नहीं मिलेगी। जितनी बातें आपको नियम रूप मिलेगी सब सम्यक एकांत है। यही सम्यक एकांत की व्याख्या है, बहुत चिंतन पूर्वक कहता हूँ, हजारों बार कही है लोगों के बीच में, बड़ी बड़ी सभाओं में। सम्यक एकांत की क्या व्याख्या है बोलो? सम्यक एकांत, लोग पूछते हैं सम्यक एकांत क्या है, मैं हजार उदाहरण दे सकता हूँ जो सम्यक एकांत है। देव मरकर किनार की नहीं होता, सम्यक एकांत है। अनेकांत लगा, कभी हो भी सकता है नहीं, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, नहीं होगा। नार की मरकर के देव नहीं होगा, भोगभूमि के जीव मरकर के नियम से देवगति में जाएंगे। भोगभूमि के जीव मरकर के नियम से देवगति में जाते हैं, सम्यक एकांत है। बोलो है कि नहीं ऐसा? शपक श्रेणी वाले नियम से केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, सम्यक एकांत है। इसमें प्रतिपक्ष नहीं लगता है, ये सम्यक एकांत है, ठीक है ना। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, शुभ और अशुभ की वृत्तियां एकांत से दुख देने वाली है। हिसाब अनेकांत लगाओ, किसी को सुखी भी हो जाए, कोई दुखी भी हो जाए, ऐसा चलेगा क्या? तो ये क्रम और अक्रम, इसके संदर्भ में शिष्य ये कह रहा है कि अनेकांत लगा लेते हैं साहब, क्या दिक्कत है? भगवान के ज्ञान के हिसाब से क्रमबद्ध, अपने ज्ञान के हिसाब से अक्रमबद्ध। उत्तर सुनो, हमारे मानने से वस्तु का स्वरूप दो प्रकार का थोड़ी हो जाएगा, वह तो जैसा है वैसा ही है, और हमें भी तो उसे वैसा ही समझना है जैसा कि वह है। उस पर अपनी मान्यता थोड़ी लादना है। केवली भगवान का ज्ञान पर्यायों को, क्रमबद्धता को स्पष्ट देखता जानता है, और हम उसे आगम से, अनुमान से, युक्ति से जानते हैं। वे ये भी स्पष्ट जानते हैं कि किस द्रव्य की कौन सी पर्याय कब और कौन सी विधि से, किस निमित्त पूर्वक कैसी होगी। और हम मात्र ये जानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक पर्याय का, द्रव्य क्षेत्र काल भाव व निमित्त सब कुछ निश्चित है, पर यह नहीं जानते किसका कब क्या कैसे होगा। अरे भाई, सम्यक दृष्टि भी तो क्रमबद्ध जानता है, तुम केवल ज्ञानी की बात कर रहे हो। एवं जोड़ इच्छे दो जानी दवाणी सब पच जाए, किसकी बात कर रहे हैं? सब पच जाए, सो सदिट्टी और शुद्धो, निश्चय से सम्यक दृष्टि है वो। जाना जी दवाणी सब पच जाए, क्या बात कर रहे हो आप? द्रव्य के सब पर्यायों को जानता है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। ये सम्यक दृष्टि सामने बैठा हुआ, ये अभी मति श्रुति ज्ञान वाला है। असर्व पर्यायेषु लिखा है साफ साफ उमा स्वामी आचार्य ने, और वो क्या कह रहे हैं? जाने जी दवाणी सब पच जाए, सब पर्यायों को जानता है। ये विरोध क्यों है दोनों में? उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं असर्व पर्यायेषु, और ये क्या कह रहे हैं? सब पच जाए। ये क्या चक्कर है? सर्व पर्याय का मतलब कॉमन जनरल बात है, ठीक है ना, अलग अलग नहीं है। यहां यही बात कही इन्होंने, केवल यानी प्रत्येक पर्याय को इंडिविजुअल जानते हैं, और सम्यक दृष्टि या हम लोग सामूहिक जानते हैं, जनरल बात जानते हैं, ऐसा होगा। सब द्रव्यों की निश्चित है ऐसा जानते हैं, सबके निमित्त भी निश्चित है, काल आदिक भी निश्चित है, ये सब हम सामान्य रूप से जानते हैं। देखो, भविष्य की पर्याय भी क्रमबद्धी होती है। यह ज्ञान होने पर भी यदि हमें यह ज्ञान नहीं है कि किसके बाद कौन सी पर्याय होगी, तो इससे वे अक्रमबद्ध कैसे हो जाएंगी? जिससे हम ये कह सकें कि हमारे ज्ञानानुसार पर्याय अक्रमबद्ध होती है। हमें पता नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हें पता है नेक्स्ट ईयर अपना वार्षिक उत्सव कितने तारीख को होगा? नहीं मालूम तो क्रमबद्ध है कि नहीं है? अच्छा, अभी सुना है
अप्रैल में वहां पंचकल्याणक निश्चित हो गया नागपुर में। कितनी तारीख से हुआ है? नहीं मालूम तो निश्चित है कि नहीं है? नागपुर का है कोई पता नहीं क्यों क्यों नहीं पता? तो तुम्हें नहीं पता तो निश्चित होगा कि नहीं होगा? अरे हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, इससे किसी बात को अनिश्चित कैसे माना जा सकता है? निश्चितता और अनिश्चितता का संबंध हमारे ज्ञान से नहीं है। निश्चितता और अनिश्चितता तो वस्तु स्वरूप में शामिल है, जो होना है वो निश्चित है। हमें पता लग गया तो निश्चित और हमें नहीं पता लगा तो निश्चित नहीं है, ऐसा कैसे होगा? देखो यही बात यहां कह रहे, इससे तो हमारी अज्ञानता ही सिद्ध होती है, पर्यायों की अक्रमबद्धता नहीं। अपने अज्ञान को पर्यायों पर थोपने का हमें क्या अधिकार है? माने हमें अपने अज्ञान को पर्यायों पर थोपने का कोई अधिकार नहीं है। देखो आगे जरा विचार तो करो, रविवार आदि सात वारों का एक क्रम निश्चित है, कुछ व्यक्तियों को उनके क्रम का ज्ञान है, वे अच्छी तरह जानते हैं कि किस वार के बाद कौन सा वार आता है, और यह भी जानते हैं कि भविष्य में भी इसी क्रम से ये वार आएंगे। पर कुछ लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है, तो क्या जिन लोगों को ज्ञान है उनके अनुसार वार क्रमबद्ध होंगे, और जिन्हें ज्ञान नहीं है या गलत ज्ञान है उनके अनुसार वे अक्रमबद्ध अनिश्चित हो जाएंगे? क्या होगा बोलो, क्या लगता है आपको? कितने सुंदर तर्कों से इन सब बातों को सिद्ध कर दिया है, क्या फर्क पड़ता है? मुझे विश्वास है यह बात आपको भी स्वीकारना होगी, क्योंकि उनके ज्ञान अज्ञान या गलत ज्ञान का वारों पर क्या असर होने वाला है जाना है क्या? आज से जाना है? चलो थोड़ा बहुत तो पढ़ लेते हैं। मुझे विश्वास है यह बात आपको भी स्वीकारने होगी, क्योंकि उनके ज्ञान अज्ञान या गलत ज्ञान का वारों पर क्या असर होने वाला है? वे तो अपने निश्चित क्रमानुसार ही होंगे, उसी प्रकार पर्यायों की क्रमबद्धता रूप वस्तु स्थिति को केवली के ज्ञान और क्षयोपशम ज्ञान वालों के ज्ञान या अज्ञान से क्या अंतर पड़ता है? वे तो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। ज्ञान अज्ञान अल्प ज्ञान पूर्ण ज्ञान मिथ्या ज्ञान की स्थितियों से वस्तु की स्थिति का कोई संबंध नहीं है, इनसे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वस्तु की जो स्थिति है उसके अनुसार ही ज्ञान जानता है, अर्थात उसे जो सही जानता है वह सही ज्ञान, जो पूर्ण जानता है वह पूर्ण ज्ञान, जो अपूर्ण जानता है वह अपूर्ण ज्ञान, जो मिथ्या जानता है वह मिथ्या ज्ञान, और जो नहीं जानता है वह अज्ञान। बोलो परिभाषाएं जो है ज्ञान अज्ञान अपूर्ण ज्ञान पूर्ण ज्ञान अल्प ज्ञान इन सब की परिभाषाएं, ये सब परिभाषाएं तो इस आधार पर है कि आपने कैसा जाना है। वस्तु तो है जैसी है, किसी को भी कुछ भी जाना जा सकता है ना। मैं भी तुम्हारे को अतिशय कहकर के पुकारूं तो कहां गड़बड़ी हुई? तुम्हारे में गड़बड़ी हो गई? नहीं हुई। जानने में गड़बड़ी हो सकती है, बोलने में गड़बड़ी हो सकती है, वस्तु स्वरूप में तो गड़बड़ी होती नहीं है। धर्म के 10 लक्षण उत्तम सत्य धर्म का प्रकरण किए होंगे आप लोगों ने प्रवचन, अभी 10 लक्षण में पढ़ा था, असत कहां होता है? ज्ञान में या वाणी में? वस्तु में तो होता ही नहीं है। तो ये कह रहे हैं वस्तु स्वरूप तो है जैसा है, तुम्हारे जानने नहीं जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः यह कहना कि केवली के ज्ञान के अनुसार पर्याय क्रमबद्ध होती है, हमारे ज्ञान के अनुसार अक्रमबद्ध, क्रमबद्ध पर्याय का सही स्वरूप समझे बिना ही मैं भी सही और तू भी सही, जैसी उभयवासी जैसी बाल चेष्टा है, अनेकांत नहीं है। जयपुर खानिया तत्व चर्चा में सम्मिलित दोनों पक्षों के, मैंने एक दिन कही थी शायद बात खानिया तत्व चर्चा की, हाँ वो थे उसमें मौजूद, दोनों पक्षों के सभी दिग्गज विद्वानों ने
एक मत से यह स्वीकार किया है कि प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है। इस बात का उल्लेख खानिया तत्व चर्चा में इस प्रकार मिलता है, वहां का पूरा उल्लेख इन्होंने यहां कर दिया, पढ़ देता हूं। इसका आरंभ करते हुए अपर पक्ष द्वारा प्रत्येक कार्य का स्वकाल में होना स्वीकार है ना, इसका आरंभ करते हुए अपर पक्ष ने माने अपने से जो प्रतिपक्ष है उसने सर्वप्रथम हमारे द्वारा प्रथम और द्वितीय उत्तर में उल्लिखित जिन पांच आगम प्रमाणों के आधार से यह स्वीकार कर लिया कि प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है, उसकी हमें प्रसन्नता है। हमें विश्वास है कि समग्र जैन परंपरा इसमें प्रसन्नता का अनुभव करेगी, क्योंकि प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है। यह तथ्य एक ऐसी वास्तविकता है जो जैन धर्म को वस्तु व्यवस्था का प्राण है। इसे अस्वीकार करने पर न तो केवल ज्ञान की सर्वज्ञता ही सिद्ध होती है, न वस्तु व्यवस्था के अनुरूप कार्यकारण परंपरा ही संगठित हो सकती है। इसको नहीं मानने पर है ना, हमने नहीं माना तो कैसे सिद्ध होगी वस्तु व्यवस्था वस्तु स्वरूप। अपर पक्ष ने प्रतिशंका तीन में जिन शब्दों द्वारा सकाल में कार्य का होना स्वीकार किया है वे शब्द इस प्रकार है। समझ लो आप, अपर पक्ष वाले मुनि पक्ष वाले जो लोग हैं, जो लोग कांजी स्वामी का विरोध करते थे, गुरुदेव का विरोध करते थे, ऐसे लोगों के माध्यम से जब परस्पर बैठकर की चर्चा हुई, बहुत प्रसिद्ध रही ये चर्चा अपने समय में, तो उसको उन्हीं के शब्दों में लिपिबद्ध किया, वो किस तरह से मानने को तैयार है। देखो, हम ये जानते हैं कि जिनेंद्र देव को केवल ज्ञान के द्वारा प्रत्येक कार्य के उत्पन्न होने का समय मालूम है, कारण कि केवल ज्ञान में विश्व के संपूर्ण पदार्थों की त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों का केवल ज्ञानी जीवों को युगपत ज्ञान कराने की सामर्थ्य जैन संस्कृति द्वारा स्वीकार की गई है। उसी आधार पर यह बात भी हम मानते हैं कि प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति उसी काल में होती है जिस काल में है। उसकी उस उत्पत्ति का होना केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में प्रतिभासित हो रहा है, ये भी इन्होंने स्वीकार कर लिया। और देखो, केवल ज्ञान ज्ञापक है, कारक नहीं। बहुत सुंदर है ये चर्चा, कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है आपसे परीक्षा में, केवल ज्ञान ज्ञापक है कारक नहीं, स्पष्ट करो। क्या अर्थ है इसमें, क्या बात कहना चाहते हैं ज्ञापक है कारक नहीं? इसका मतलब केवल ज्ञान की वजह से आप लोग यहां आकर के नहीं बैठे हो, आप यहां आकर के बैठने वाले हो, ये केवल ज्ञानी को पहले से पता था। समझ में आ गया ना पॉइंट क्या है? अब जो नहीं आए, रजत नहीं है ना आज, है पीछे, और जो नहीं है चार बच्चे, यदि उनसे पूछा जाए कल आने के बाद, भाई साहब क्यों नहीं आए तुम, तो क्या कहेंगे? केवल ज्ञानी ने ऐसा ही देखा था, भाई साहब हम तो सोच रहे थे आने की, लेकिन क्या करें, हम आ जाते तो केवल ज्ञानी का ज्ञान झूठा हो जाता। अरे भाई ऐसा नहीं है, जो काम तुम करने वाले हो, जो कार्य तुम्हारे द्वारा किया जाना है, वो सब केवली के द्वारा पहले से जान लिया गया है, इतना सा अर्थ है और कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ का कारक नहीं है, मतलब केवल ज्ञान कोई करता नहीं है। केवल ज्ञान में हमारी भविष्य निश्चित कर दिया गया हो, केवल ज्ञान कौन होता है मेरे भविष्य को बनाने वाला? बस ज्ञान की इतनी निर्मलता है जिसके कारण पहले से ही बात को जान लिया गया है। कल कौन सा डे आने वाला है? गुरुवार आने वाला है, तो तुम लोगों ने जान लिया तो उसको आना ही पड़ेगा, ऐसा है? ऐसा नहीं है भाई, वो आएगा इसलिए जाना गया है। तो ज्ञान के माध्यम से किसी भी बात को जाना जाता है, वो ज्ञापक तो हो सकता है, कारक नहीं हो सकता। कल पढ़ेंगे इस प्रकरण को, आगे जाओ, एंड दो जाओ, कोई बात नहीं।